खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस की कीमत बढ़ाए जाने के विरोध में महू शहर महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मीना ठाकुर एवं इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शैला तिवारी के नेतृत्व में रसोई गैस की कीमत 149 रुपए के मूल्य वृद्धि के विरोध में महू SDM कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन कर भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन SDM को दिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी, जिसमें मुख्य रूप से पार्षद अरुणा दत्त पांडे, प्रेमलता तिवारी, प्रदेश कांग्रेस सचिव गरिमा चौरसिया, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक उमा आचार्य, प्रदेश कांग्रेस सचिव प्रभा स्वामी, महू ब्लॉक ग्रामीण अध्यक्ष सपना ठाकुर, अनीता खेरे, प्रेमलता जरिया, शिखा अग्रवाल आदि एवं पार्षद कैलाश दत्त पांडे, पूर्व पार्षद पवन तिवारी, पप्पू खान, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जायसवाल, संजय जायसवाल, अमित अग्रवाल आदि पार्टी के वरिष्ठों के नेतृत्व में आज रसोई गैस की बढ़ती दामों पर रोक लगाने एवं बढ़ते दामों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपकर कहा कि केंद्र की BJP सरकार की वादा खिलाफी एवं मनमानी के खिलाफ महू की मातृशक्ति द्वारा उग्र प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और महिलाओं द्वारा कहा कि हमें परिवार चलाने में अनेक समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो निंदनीय कार्य है, और महिलाओं के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस के दाम 149 रुपए वापस लें और देश की महिलाओं को राहत प्रदान करें। गैस दाम बढ़ाए जाने का महू महिला कांग्रेस एवं महिला प्रदेश कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। हम लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसके दाम कम करें जो इन्होंने बढ़ाए हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस चीज के लिए बढ़ते हुए जो दाम हुए हैं इसको खत्म किया जाए और हर तरीके से इसको खत्म करने की कोशिश की जाए, क्योंकि महिलाएं बहुत परेशान होती हैं, हर तरीके से अपने पास बचत करती हैं और जैसे तैसे अपने काम में अपनी चीजों की कटौती कर करके और वो सिलेंडर का पैसा इकट्ठा करती हैं। हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की और प्रदेश कांग्रेस जो कमेटी है उसके निर्देश पर जो केंद्र सरकार ने गैस की टंकी की जो मूल्य बढ़ाए हैं 149 रुपए के आसपास, 145 के आसपास, ये इस मूल्य वृद्धि को वापस लेने के लिए हम लोग यहाँ महिला कांग्रेस पूरी विरोध में आई है, क्योंकि जो सरकार जो केंद्र सरकार है ये मूल्य वृद्धि में महंगाई तो चारों ओर बढ़ी रही है, जनता तो तराई तराई करी रही है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या लोगों के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, और मूल्य वृद्धि गैस की जो मूल्य वृद्धि हुई है उससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो महिलाएं हुई हैं, क्योंकि हमारे बजट में से 149 रुपए 150 रुपए जो जा रहे हैं ये हमारे लिए बजट को कहीं ना कहीं हम लोग जो उसको बचाकर उसमें अन्य कामों में उसको लेते हैं वो हम उससे कहीं ना कहीं उससे त्रसित हैं महिलाएं। और इसके साथ साथ जो गैस सिलेंडर जो गैस की टंकी है कांग्रेस के शासनकाल में जो 300-350 रुपए की आया करती थी आज 900 रुपए के आसपास पहुंच रही है, तो क्या कर रही है केंद्र सरकार, झूठे झूठे वादे और उसके अलावा और क्या कर रही है, महंगाई चारों ओर बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन किसी प्रकार से कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज हम महिला कांग्रेस की जो स्त्रियां हैं सब पूरी जो टीम है हमारी कमेटी वो इस विरोध में यहाँ पे SDM साहब के पास आई है कि इस मूल्य वृद्धि को शीघ्र अतिशीघ्र वापस लिया। महिला कांग्रेस की ओर से जो ज्ञापन दिया गया है वो रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों के संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम दिया गया है, जो ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से उचित स्थान पर प्रेषित किया जाए। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।